कहाँ चली गई मेरी घड़ी यार, किधर जा सकती है? अभी कौन आ गया? सलाम साहब। हाँ हाँ आ जाओ। कल क्यों नहीं आई, कहाँ थी तुम? वो साहब मेरा बेटा कल बहुत बीमार था तो मैं उसको लेके हॉस्पिटल गई थी। अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो। ठीक है साहब। मुझे लगता है इसी ने चुराई होगी मेरी घड़ी। अच्छा बात सुनो। जी साहब। एक मिनट सारे काम छोड़ो और मेरे सामने आके बैठो। अच्छा ठीक है। जी साहब बताइए क्या बात है। मेरी इतनी महंगी वॉच कल से नहीं मिल रही और कल तुम भी नहीं आई। सच सच बताओ तुमने चुराई है? नहीं साहब, मैंने तो देखी भी नहीं। देखो सच बता दो, मैं बात खत्म कर दूंगा, पुलिस को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं साहब मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं चुराई, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। देखो मैं फिर आराम से पूछ रहा हूँ, मान जाओ बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन साहब। हेलो जी जी आप बताएं। हाँ मैं कल आपको ऑफिस में मिलके बताऊंगा। ओके अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओहो यहाँ पड़ी है मेरी घड़ी, तुम भी ना ठीक से सफाई नहीं करती। शुक्र है मिल गई, कब से ढूंढ रहा था। अब जाओ और मेरे लिए एक चाय बना लो और जल्दी से सफाई कर दो, घर बहुत गंदा लग रहा है। ओके अब जाओ। साहब। हाँ क्या हुआ? मैं जा रही हूँ। जा रही हो? जी अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अरे तुमने तो इतनी सी बात को सीरियसली ले लिया। साहब बेशक हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमारे पास इज्जत है जो सबसे ज्यादा कीमती है।